ओम वंदे का मातर मित्रों, थोड़े दिनों पहले हमने एक कविता दी थी पुरुष यानी एक स्त्री की दृष्टि से उसका पति या उसका पुरुष क्या होता है, वो बहुत अच्छा चित्रण था। वैसे ही हमारे एक दर्शक ने कविता भेजी है स्त्री यानी कि पत्नी क्या होती है। मित्रों, आज हम अपने समाज में देखते हैं कि पति पत्नी के पवित्र संबंध पर बहुत सारे जोक मिलते हैं, लेकिन ऐसी वातावरण में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पति पत्नी के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं और उन पर अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। आइए उस कविता का आनंद लेते हैं। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब वो चली जाती और वापस लौटकर नहीं आती। छत पर लगे जाले, आंगन में जमी धूल हटाने में संकोच होता है और बस तुम्हारी ये सफाई कहने का अवसर नहीं मिलता। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब कालरों में जमी मैल छुटाने में पसीना छूट जाता है। चूड़ियां साथ में नहीं खनकती, उसकी मेहनत करने वाला बस वो अंदाज याद आता है। एक औरत की कमी तब अखरती है जब घर में देर से आने पर रोटियां ठंडी हो जाती हैं, सब्जी में तुम्हारा पसंद का जायका नहीं मिलता और तुमसे कहने वाला कोई नहीं होता या तुम ये किसी से नहीं कह पाते कि मुझे पसंद नहीं है। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब बच्चा रात को जोर से रोता है और आप अनमने भाव से उठ जाते हैं और यह नहीं कह पाते कि तुम कितनी लापरवाह हो। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब रात में अकेले सोते हैं और करवट बदलते हैं और बगल में हाथ रखने के लिए कोई नहीं मिलता। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब त्योहारों के मौसम में नई चीजों के लिए कोई नहीं लड़ता और बस तुम इतना भी नहीं कर सकते, इतने ही पैसे हैं, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता। एक स्त्री की कमी तब अखरती है जब आप दुखों के बोझ से दबे हों और एकदम अकेले हों और ऐसे में आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, आप नितांत अकेले रो रहे हों। ऐसे में एक पत्नी, एक स्त्री की कमी बहुत अखरती है। चाहे कितना भी मजबूत पुरुष हो, हाँ, यहाँ उसको कमी अखरती है और यह हर पुरुष जानता है और इसको स्वीकार भी करता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।